आज यहीं से शुरुआत करेंगे साथियों। हम सबसे पहले कतार में बैठेंगे, हमारी उपस्थिति कम लग रही थी इसलिए हमारी मैंने बोली थी कि एक बेड में एक हमारे सगाजन बैठेंगे, लेकिन अभी जैसा पंजीयन से पता चल रहा है कि हमारे सगाजन बहुत आ रहे हैं, इसलिए एक बेड में दो सगाजन बैठ सकते हैं, ऐसा कोर कमेटी का निर्देश। जितना जल्दी हो सके एक एक में दो दो लोग बैठ जाएं, कतार सही हो। हम सबसे पहले कतार में बैठे, गाय के अनुशासन ही देश को महान बनाता है। कतार में यानी कि लाइन में सही हो, सबका दिखे, सामने वाला जगह खाली नहीं होना चाहिए। सभी लोग खाली अब एकदम जल्दी से बैठ जाएं, लाइन एकदम क्लियर हो साथियों, ताकि कोई भी हमारा जो लाइव कास्ट होगा पूरा दुनिया देखेगी। राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण जो हो रहा है पूरा आज दुनिया देखेगी, इसलिए हम सबसे पहले व्यवस्थित बैठ जाए। बैठ जाए साथियों। इसके बाद हमारी एक रुकता भी होनी चाहिए, काहे कि कहा गया है कि जो समाज यानी कि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी किसी को बादशाह नहीं बना सकता। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बना सकता, लेकिन आपस में लड़कर हम दूसरे को बादशाह बना देते हैं, तो इसलिए हम व्यवस्थित बैठ जाएं। मैं कुछ यहाँ की जो शर्तें हैं, जो कानून है, कायदे हैं, उनको आपके सामने रख रहा हूं। पहला तो हम कतारबद्ध बैठेंगे। आपने बड़ी उत्सुकता के साथ यहाँ पर पंजीयन कराए हैं शुल्क दे करके, लेकिन चार दिन तन और मन से यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ का जो नियम है, शर्त है, उसके अनुसार रहना पड़ेगा एकदम व्यवस्थित। और उसमें जो थोड़ा भी उल्लंघन कोई करता है, कोई सगाजन, तो पूरी हमारी समाज उसको दंड देने की व्यवस्था करेगी। कैसे, सहमत है सब भाई? सगाजन हमारी पारंपरिक व्यवस्था ही होती है ना, कि अगर कोई हमारे समाज का कोई गलती कर बैठे तो चार नाग सगा जो इकट्ठा होकर के उनको जो है सही रास्ता बनाने के लिए क्या करते हैं, दंड या जुर्माना देते हैं। दोनों तरफ की बातें होंगी, ठीक। तो चलिए, पहला हम कतार में बैठ गए। दूसरा जो है, एक रुकता लाने के लिए, चाहे वो हमारा खेल गांव हो, चाहे दुमका जिला हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, कहीं भी हो, हमारा आदिवासी का एक कोड होगा, वो कोड हमारा सिग्नेचर ताली है। साथियों, हमने तालियां बहुत प्रकार की बजाई हैं, लेकिन इस सभाकक्ष से आज इस प्रशिक्षण हाल से हम सिग्नेचर ताली बजाएंगे, पता चलेगा कि हमारा केडर के साथी यहाँ पे है। सिग्नेचर ताली मैं बताऊंगा, जब भी कहूंगा सिग्नेचर ताली शुरू कर तो दोनों हाथ से बजाएंगे। एक दो, एक दो तीन, एक दो, एक दो, एक दो तीन, और दोनों हाथ उठा के सेवा सेवा। चलिए, सिग्नेचर ताली शुरू कर। एक दो, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, एक दो, सेवा सेवा, थोड़ा सेवा, एक रुकता होना चाहिए, एक समान। अब इतना ताली बजे कि पूरा हाल गूंज जाए भाई, आदिवासियों का तालियां इतना कमजोर नहीं है। सिग्नेचर ताली शुरू कर। एक दो, एक दो, सेवा सेवा, थोड़ा सा लाइन में थोड़ा कमी हो। हम लोग ना बड़े इंजॉय के साथ चार दिन बिताएंगे, हंसते गाते खेलते कूदे, गाए के हम लोग कहा ना, जे नाचे से बांचे। हम लोग अपना संस्कृति को नहीं नाच गा रहे हैं ना, इसलिए हमारा संस्कृति खत्म होते जा रहा है। चलिए, पूरा सिग्नेचर ताली शुरू कर। एक दो, एक दो, एक दो, सेवा सेवा, 1% कमी है,
एक बार और सिग्नेचर ताली शुरू कर। एक दो, एक दो, एक दो। सेवा 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 भी इस तरह से बोलिए ना कि हमारे टाना भगत इंडोर स्टेडियम की आवाज जो पूरा भारत में गूंजे। ये जगह को कवर कर लीजिएगा भाई। चलिए ठीक, ये हमारी ताली हो गई। कुछ नारा जयकारा ये भी हो जाए। मैं बोलूंगा जय जोहार का नारा है तो आप सब क्या बोलेंगे? भारत देश हमारा है, केवल रांची भर नहीं, ठीक ना? क्या भारत देश हमारा है? हमारे दार्जिलिंग के कहाँ हमारे क्रिकेटर दादा हैं, दुमका में बोले तो दादा ये तो ठीक है, जय जोहार का नारा ठीक है, लेकिन हमारा पूरा चाय बागान ही लूट ले रहे हैं तो हम भारत देश हमारा कहाँ है? तो हमारे टोपो दादा बोले चिंता मत करिए सब होगा धीरे। तो उन्होंने ठान लिया कि एक रुपया के बदौलत हम जो है पूरा चाय बागान में खरीदेंगे। इस हौसला के साथ उन्होंने आए और राज्य प्रशिक्षण हाल में यहाँ उपस्थित है हमारे दार्जिलिंग के साथ, ठीक ना? तो साथियों ये सारी चीजें हैं। मैं बोलूंगा जय जोहार का नारा है तो आप लोग क्या बोलेंगे? भारत देश हमारे मुट्ठी में, ठीक ना? मतलब कभी लड़ाई हो जाए तो एक हथौड़ा किसी को पड़ जाए ना तो सारी जिंदगी याद करके किसी आदिवासी का हाथ पड़ा है, ठीक? जय जोहार का नारा है। जय जोहार का नारा है। थोड़ा एक्शन है ना। जय जोहार का नारा है। बगल वाले को ध्यान में रख लीजिए, उनके कंपटी में ना पड़ जाए। चलिए ठीक, मैं बोलूंगा एक तीन एक कमान, एक तीन एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान। थोड़ा जोर से भाई, झिझक जो है ना अभी थोड़ा थोड़ा है, चार दिन में पूरा खत्म। एक तीर एक कमान। हाँ चलिए ठीक, मैं कहूंगा लड़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे? जीतेंगे। हम लोग आर्थिक का जो गुलामी है ना उसके तैयारी करने जवान साथियों, हम यहाँ ना भीड़ इकट्ठा नहीं, हम कौन लोग हैं? भिड़ने वाले लोग हैं। और जिस तरह से 17.7 अरब साल पहले महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग की घटना हुई थी और छोटे छोटे चिंगारी निकला उसके बदलत चांद सूरज आसना भी होगा, लेकिन यहाँ से एक बेहतर मास्टर बन के जाएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहता, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस चार दिन में आप तन और मन से यहाँ पे बैठेंगे। धन तो पहले ले लिए हैं, जिंदगी में कभी कोई माइक पकड़ के नहीं बोल रहा होगा, यहाँ से माइक पकड़ के बोलना वो सीख के जाएगा, ये हमारी विश्वास है, ठीक ना? इतना आप सबके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होकर जाएगा। चलिए नींद तो नहीं आ रही, जो कभी नाचा नहीं होगा, ठीक ना, वो नाचेंगे यहाँ पे सौ के साथ। वो डिस्को वाला डांस नहीं, हमारा प्योर आदिवासी वाला नाचा होगा, ठीक? और बाजा भी वही होगा, मन पड़ेगा अनुमति मिलेगी कमेटी की, तब डिस्को वाला बाहर में होगा यहाँ नहीं होगा, ठीक? तो ये भी होगा, गाना भी होगा। जिम्मेदारी होती है ना कि हम अपने समाज की रक्षा स्वयं करें, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार होने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो एक गार्ड को नहीं बचा सकते, कैसे तुम्हें जुर्माना लगेगा, फिर से 200 रुपये जमा करेगा तब भाई उसको पुनः डुप्लीकेट कार्ड मिलेगा। ये पारंपरिक व्यवस्था में तय हो रहा है, राजी है सब कोई कि बढ़ाया जाए शुल्क को? 200 रखे कि 500 रखे भाई? दादा 200 रखे कि 500? ये हमारी सभा तय करेगी ना, ग्राम सभा राज्यसभा। 200 रुपए की पास देना पड़ेगा जुर्माना, 200। डॉक्टर काम सर और यहाँ पे मेरे गुरु दादा मुकवान विजय कुंजू, मुकवान हमारे छत्तीसगढ़ में उनको उपाधि मिली है। हेलो जी, जो मुखिया होते हैं किसी संस्था का उनको मुकवान की उपाधि दी जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो दादा विजय कुंजू को मुकवान उपाधि छत्तीसगढ़ से मिली है, कोई राजनीतिक बात नहीं होगी,
कोर कमेटी का कहना इस प्रशिक्षण के नियम किसी प्रकार की खुले आप से राज मान्यता ना मत लेंगे। यहाँ पे किसी के धार्मिक भावना बिल्कुल नहीं लेना है। अच्छा चलिए सभी लोग खड़ा हो जाएंगे अपने अपने स्थान पे। हमारे पेन पुरखों का जो है सेवा निवृत्ति जोहार हो रहा है। मैं सह सम्मान माई हमारे महान सभी लोग अपने जगह पे सह सम्मान खड़े हो जाएंगे सेवा निवृत्ति जोहार करेंगे। हम लोग अपने झारखंड में कोई भी चुनसे बनाए और अरवा चावल का घोड़ी से हम लोग उसको घेरे। इसका महत्व है कि भाई हम कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी का नजर ना लगे। वो अगर काला कोयला से पार हो जाते हैं तो चूल्हा का मट्टी बहुत गर्म होता है उससे कुछ जल